हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ट्रांसपिरेशन के दौरान स्टोमेटा आवश्यकता पड़ने पर ओपन हो जाते हैं, और जब बाहर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ट्रांसपिरेशन को रोकना है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस के लिए गैशियस एक्सचेंज की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है और ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, उस वक्त स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। तो जो स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना, इसके लिए जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। उन्हीं थ्योरीज को आज हम पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। द फोर इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स आर, नंबर वन, थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। दूसरा, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। दूसरी थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि दिन में स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए स्टोमेटा ओपन होते हैं, और रात में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। थर्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज या ओपन होते हैं। फोर्थ थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम पंप थ्योरी एंड रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड और एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी। इसके अंदर बताया गया है कि जो पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट है सेल के अंदर या बाहर होने की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। इन सारी थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर वन थ्योरी, थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। वॉन मॉल इन 1856 ऑब्जर्व दैट स्टोमेटा ओपन इन लाइट एंड क्लोज इन द नाइट। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि ये देखा गया है कि जो स्टोमेटा है वो दिन में तो खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। He then proposed that chloroplast present in the guard cells photosynthesize in the presence of light resulting in the production of carbohydrate due to which osmotic pressure of guard cell increases. इन्होंने ये प्रपोज किया कि जो गार्ड सेल्स हैं, जो स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं स्टोमेटा की क्लोजिंग या ओपनिंग के अंदर, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होता है, और जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से गार्ड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होगा, जो सेल है वो अपने पास वाली सेल से वाटर इनटेक करेगी सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू, और जब वाटर इनटेक करती है तो कोशिका या गार्ड सेल्स हैं वो फूलती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये सीक्वेंस दिया। इसके अकॉर्डिंग जब लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा गार्ड सेल के अंदर, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फॉर्मेशन ऑफ शुगर इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप, और जब फोटोसिंथेसिस में शुगर प्रोडक्ट के रूप में बनती है तो जो सेल है गार्ड सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जब किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है मीन्स इसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, वाटर पोटेंशियल कम हो गया है, तो ये अपने पास वाली सेल से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू इनटेक करती है। एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम सब्सिडरी सेल्स टू गार्ड सेल्स। अब जो गार्ड सेल्स हैं उसके चारों ओर सब्सिडरी सेल्स हैं, अब ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं इनसे पानी गार्ड सेल के अंदर आता है थ्रू एंडोऑस्मोसिस। इंक्रीज ऑफ टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल। अब जब पानी अंदर आता है तो उस गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ता है। टर्गर प्रेशर मीन्स वो प्रेशर जो सेल मेम्ब्रेन को बाहर की ओर धकेलता है, मीन्स सेल वॉल पर एक प्रेशर पड़ता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ से बाहर की ओर,
और जब बाहर की ओर प्रेशर बढ़ता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। मीन्स इन्होंने सिंपल सी एक बात कही कि अगर गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उससे उस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये सब्सिडरी सेल से पानी को एंडोऑस्मोसिस के द्वारा अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है गार्ड सेल्स का, और टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अब इसके कुछ डीमेरिट्स थे। इसके अंदर बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो मेन रीजन है गार्ड सेल्स के अंदर जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अराउंड द लीव्स शुड लेड टू वाइड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बट हेयर अकर्स देयर पार्शियल क्लोजर। और अगर यही बात है तो अगर लीफ के आसपास जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी तो स्टोमेटा ओपन होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जब लीफ के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो स्टोमेटा वाइडली ओपन होने की बजाय पार्शियली क्लोज हो जाते हैं। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिव फोटोसिंथेसिस। और जो इस थ्योरी का मेन बेस था, मुख्य आधार था, कि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टोमेटा क्लोज या ओपन हो रहे हैं, वो उस बात को पूरी तरीके से प्रूव नहीं करता है, क्योंकि जो गार्ड सेल की क्लोरोप्लास्ट है वो कैपेबल नहीं होती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्टिवली पूरा कर पाए। तो इस तरीके से ये कुछ डीमेरिट्स थे इस थ्योरी के। तो इसीलिए इस थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी दी गई, सेकंड थ्योरी स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। इसमें अकॉर्डिंग टू लॉयड इन 1908 टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स डिपेंड्स ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर। पहले कहा गया था कि जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड किस वजह से हो रही हैं, कि जो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है जिसकी वजह से गार्ड सेल्स का, और वो एंड ऑस्मोसिस के थ्रू जो पानी लेती है उससे स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन होते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो टर्जिडिटी है गार्ड सेल्स की वो किस पर डिपेंड कर रही है, स्टार्च और शुगर के इंटर कन्वर्जन पर। मींस दिन में स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और रात में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं। इट वॉज सपोर्टेड बाय लॉफ्टफील्ड 1921। ही फाइंड आउट दैट गार्ड सेल्स कंटेन शुगर ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन दे आर ओपन एंड स्टार्च ड्यूरिंग नाइट व्हेन दे आर क्लोज्ड। इन्होंने कहा कि दिन के अंदर स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और रात में शुगर स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी थ्योरी को सपोर्ट किया 1926 में सायरे ने, पर उन्होंने इस स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी को एक अलग आस्पेक्ट में देखा। ही ऑब्जर्व दैट स्टोमेटा ओपन इन न्यूट्रल और एल्केलाइन पीएच विच प्रिवेल्स ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू कॉन्स्टेंट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कहा कि जब भी न्यूट्रल या एल्कलाइन पीएच होता है गार्ड सेल्स के अंदर, उस दौरान स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, मीन्स फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है गार्ड सेल्स से, जिसकी वजह से इसका पीएच एल्कलाइन हो जाता है, और पीएच के एल्कलाइन होने की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, और रात में जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं हो रहा है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड That causes the pH to be acidic. और जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वह
कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये पीएच को एसिडिक कर देता है। दस स्टोमेटल मूवमेंट इज रेगुलेटेड बाय पीएच ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर। इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कि रात में जो शुगर है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और दिन में स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। लेकिन इसके अंदर पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब एल्कलाइन पीएच होता है दिन में तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब पीएच एसिडिक हो जाता है रात में, उस दौरान स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। यिन एंड तुंग इन 1948 इन्होंने भी स्टार्च इंटरकन्वर्जन थ्योरी को एक अलग एस्पेक्ट में देखा। ही दे आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम फ्रॉम द गार्ड सेल्स। इन्होंने फॉस्फोराइलेज एंजाइम को आइसोलेट किया गार्ड सेल से। अकॉर्डिंग टू देम स्टार्च इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, मीन्स फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ऑल्सो यूज एंड लाइट एंड डार्क फेजेस, मीन्स चेंजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कंट्रोल्स द चेंज इन पी एच। द रिएक्शन मे बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज। इसके अंदर बताया गया कि जब दिन के अंदर और रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन में चेंज होता है, मीन्स दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कम होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में काम में आ जाती है, और रात में रेस्पिरेशन कंटिन्यूएशन में है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होती है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से स्टार्च ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दिन में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है ये कंट्रोल करता है पीएच के चेंज को, जिसकी वजह से पीएच एल्कलाइन होता है दिन में और स्टोमेटा ओपन होते हैं, और रात में स्टोमेटा क्लोज होते हैं एसिडिक पीएच की वजह से। इस रिएक्शन में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो स्टार्च है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को काम में लेता है और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्टीवर्ट स्कीम। स्टीवर्ट इन 1964 प्रपोज्ड अनदर मॉडिफाइड स्कीम ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। ये जो सारे के सारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसी थ्योरी को माना कि स्टार्च और शुगर का इंटरकन्वर्जन होता है, लेकिन इन्होंने रीजन और मैकेनिज्म अलग अलग दिया इस थ्योरी के लिए। तो स्टीवर्ट ही बिलीव्स दैट कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज नॉट सफिशियंट। जैसा कि यिन एंड तुंग ने कहा था कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो स्टार्च है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, जबकि स्टीवर्ट ने कहा कि सिर्फ स्टार्च का ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट होना ही सफिशियंट नहीं है, इट शुड बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज सफिशियंट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो, तभी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इतना बढ़ेगा कि वो एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर ले और फिर जाकर स्टोमेटा ओपन हो। फॉर दिस ATP is also required, which means that the process should be through respiration in presence of oxygen. अब इस process के अंदर ATP भी required होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये respiration के through होगा presence of oxygen में। Guard cell carries enzymes like phosphorylase, phosphoglucomutase, phosphatase and phosphorylase. These enzymes help in opening and closing of the stomata. तो स्टीवर्ट जो थ्योरी है इन्होंने भी स्टार्च और शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी को ही सपोर्ट किया, बस इसके लिए इन्होंने कहा कि सिर्फ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का बनना ही जरूरी नहीं है, स्टार्च का पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट होना जरूरी है, जिसकी वजह से सफिशियंट ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ सकता है। और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे एंजाइम्स बताए कि ये एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है और स्टोमेटा क्लोज या ओपन होते हैं। ये इनकी स्टोमेटल ओपनिंग की स्कीम है जिसके अंदर इन्होंने इसको डिटेल में समझाया।
देखिए, सबसे पहले जो स्टार्च है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनाते हैं। जैसा कि तुमने भी प्रपोज किया था कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का निर्माण करती है। अब ये जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूटोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से जो हमारा स्टार्च है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही स्टार्च ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये सेल पास वाली सब्सिडरी सेल से एंडोऑस्मोसिस की तरह की वजह से पानी को एब्जॉर्ब करती है, और पानी इनटेक होने की वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये तो हुआ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर जो ग्लूकोज है वो एटीपी एनर्जी यूज करते हैं, और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्च और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर ग्लूकोज रात में स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का कम हो जाता है और सेल एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को बाहर निकालती है और गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो स्टीवर्ड ने इस तरीके से विभिन्न एंजाइम्स के माध्यम से स्टार्च किस तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, इसको एक्सप्लेन किया। बेस्ड ऑन द अबव मेंशन थ्योरी, अब जो भी ये 4-5 थ्योरीज थी जिन्होंने सभी ने इस बात को कहा कि स्टार्च और शुगर इंटर कन्वर्जन की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो रहे हैं, अगर इसको ब्रीफली देखा जाए, समराइज्ड किया जाए, तो जो लाइट के अंदर है वो क्या रिएक्शन होगी, लाइट में फोटोसिंथेसिस की वजह से डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन लीफ सेल्स, पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काम में ली जाती है। इंक्रीजिंग पीएच ऑफ गार्ड सेल्स, डेफिनेटली जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तो गार्ड सेल्स का पीएच बढ़ जाएगा, मीन्स वो एल्कलाइन हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू शुगर बाय एंजाइम्स, जैसा कि स्टीवर्ट ने कहा, एंजाइम्स की वजह से जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगा गार्ड सेल के अंदर, ये सब्सिडरी सेल से पानी को एंडोऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल्स के अंदर लेंगे। इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स, और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पानी आता है तो ये जो इसका टर्गर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से स्टोमेटा या अपर्चर ओपन हो जाएंगे। तो दिन में फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होना और पीएच का बढ़ना, जिसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस होगा और एंडोऑस्मोसिस से स्टोमेटा खुल जाते हैं। अब रात में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, तो डे और लाइट दोनों का जो चक्र है वो इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने लाइट में देखा था कि लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस, लाइट आ रही है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज्ड पीएच, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर, पीएच इंक्रीज हुआ है, स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इन सब की वजह से जो सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मीन्स उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एंडोऑस्मोसिस से वाटर अंदर आता है। अब जब पानी गार्ड सेल के अंदर आया है तो इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, और टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है दिन में। अब रात में उसका बिल्कुल उल्टा होता है,
सेसेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रुकना। अब जब फोटोसिंथेसिस रात में नहीं हो रहा है तो, और रेस्पिरेशन कंटिन्यूएशन में हो रहा है, दोनों ही वजह से इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता है, जिसकी वजह से जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, सेल सैप एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से कन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च, और शुगर स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल सैप का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, और जब किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो वो एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को बाहर निकालती है, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो जो सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगी, और फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे चक्र में दिन में फोटोसिंथेसिस में जिस प्रोसेस से स्टोमेटा ओपन हुए हैं, बिल्कुल उसके रिवर्स रिएक्शन की वजह से रात के अंदर जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। अब जो स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी थी, इसकी भी कुछ डीमेरिट्स थे। इसके अंदर मैनी साइंटिस्ट डू नॉट अग्री विद द थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन स्टार्च डिसअपियर्स फ्रॉम गार्ड सेल्स मैलिक एसिड अपियर्स एंड नॉट द शुगर। इन्होंने कहा कि जब दिन के अंदर स्टार्च डिसअपियर होता है गार्ड सेल के अंदर तो उसके अंदर मैलिक एसिड बनता है, ना कि शुगर, जैसा कि स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी का नाम ही है कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो शुगर में नहीं कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। दूसरा, स्टार्च हैज नॉट बिन रिपोर्टेड इन द गार्ड सेल्स ऑफ मैनी मोनोकॉट सच एज आयरिस एमाइथाइलिस एंड एलियम। तो स्टार्च जो है, कुछ मोनोकॉट्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्टार्च होती ही नहीं है गार्ड सेल्स के अंदर। अब पहला इन्होंने कहा था स्टार्च शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है, शुगर स्टार्च के अंदर, जबकि शुगर स्टार्च में स्टार्च कई प्लांट्स के अंदर शुगर में कन्वर्ट नहीं होके मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है, और दूसरा कुछ के अंदर मैलिक एसिड स्टार्च ही प्रेजेंट नहीं होता है कुछ मोनोकॉट्स के अंदर। तो ये दोनों जो रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टार्च और शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी को इतना सपोर्ट नहीं किया गया। थर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इन गार्ड सेल्स, बट इट इज फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयंस causes the development of same osmotic pressure as does the presence of glucose 1-phosphate. तो जो हमने कहा था कि glucose 1-phosphate, phosphorylase enzyme की presence में जो glucose 1-phosphate बनता है, जिसकी वजह से guard cell का OP बढ़ जाता है, जबकि जो inorganic phosphate ions हैं वो भी उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं जितना कि glucose 1-phosphate. तो जो reason दिया गया था ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने का वो पर्याप्त नहीं था। फोर्थ, एंजाइम फॉस्फोराइलेज हेल्प इन इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बट नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो बिल्कुल हेल्प करता है स्टार्च से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनने में, लेकिन ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से स्टार्च बनने में हेल्प नहीं करता है। तो और भी बहुत से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होंगे इस थ्योरी के लिए। So, this reaction is controlled by some other enzymes, but which we do not know yet. और जब ये थ्योरी दी गई तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ फॉस्फोराइलेज एंजाइम के बारे में बताया गया जो स्टार्च से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करना तो बताता है, पर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से वापस रात में स्टार्च का कन्वर्ट होने के बारे में कोई बात नहीं बताता। फिफ्थ, द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लू लाइट एट द टाइम ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग के टाइम पे जो एक्स्ट्रा ब्लू लाइट की इफेक्टिवनेस थी उसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे डीमेरिट्स थे इस स्टार्च और शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी में। उसके बाद कुछ नई थ्योरीज दी गई इस स्टोमेटल मूवमेंट को समझने के लिए। थर्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, जेलिथ इन 1963 प्रपोज्ड दैट प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड इन द गार्ड सेल्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्टोमेटल ओपनिंग।
इन्होंने कहा कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है गार्ड सेल्स के अंदर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमेटा के ओपन होने में। ग्लाइकोलेट इज प्रोड्यूस्ड अंडर लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ही सजेस्टेड दैट ग्लाइकोलेट गिव्स राइज टू कार्बोहाइड्रेट, दस रेजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑल्सो दैट इट कुड पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP। इन्होंने कहा कि कम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, और दिन में डेफिनेटली जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और इन्होंने कहा कि जो ग्लाइकोलेट है कार्बोहाइड्रेट को से कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर राइज करता है, और साथ ही साथ ये जो ग्लाइकोलेट है ATP प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं वो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं, विच माइट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इस प्रोसेस में जो ATP सिंथेसिस हो रहा है, इस स्टोमेटल ओपनिंग के अंदर जो एनर्जी लग रही है ATP की फॉर्म में, वो भी इस ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म की वजह से ही जो स्टोमेटा हैं वो खुलते या बंद होते हैं। इस थ्योरी के भी कुछ डीमेरिट्स थे। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन डार्क। जैसा कि हम देखते हैं कुछ सकुलेंट प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, क्योंकि दिन में धूप इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, और सकुलेंट्स एकदम ड्राई कंडीशन में डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, वैसे ही पानी की कमी है। और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है धूप में, दिन में अगर स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसपीरेट होकर बाहर निकल जाएगा, जबकि वाटर अवेलेबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में जो सकुलेंट्स हैं वो दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस की, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो रात में स्टोमेटा को खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब करते हैं जब टेम्परेचर कम होता है और ट्रांसपिरेशन की संभावना कम होती है। तो इस बात को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म थ्योरी। इन सम प्लांट्स स्टोमेटा हैव बीन फाउंड टू रिमेन क्लोज्ड इवन ड्यूरिंग डे टाइम। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम में भी अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट ऑन स्टोमेटल ओपनिंग। और ब्लू लाइट का स्टोमेटल ओपनिंग में इफेक्ट को भी ये थ्योरी डिटेल में नहीं समझाती है। तो इसके बाद फोर्थ थ्योरी दी गई, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम पंप थ्योरी एंड रोल ऑफ एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड और पोटेशियम के एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं। सो एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी क्या है? द कंसेप्ट ऑफ पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट वॉज गिवन बाय फ्यूजिनो। इट वॉज सपोर्टेड एंड इलेबोरेटेड बाय लेविट एंड रश्के इन 1975। और लेविट ने इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया। इट अपीयर्स टू बी एन एक्टिव मैकेनिज्म विच नीड्स ATP। ये एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है जिसके अंदर ATP की आवश्यकता होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन रीसेंट ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एज फॉलोज। और ये जो थ्योरी है वो सबसे एडवांस थ्योरी है और पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। अब जब लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होते हैं तब क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं? ए, प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में डिक्रीज इन स्टार्च कंटेंट ऑफ गार्ड सेल्स। डेफिनेटली जो गार्ड सेल्स है उसका स्टार्च कम हो जाता है डेलाइट में। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल्स, जो शुगर स्टार्च इंटरकन्वर्जन थ्योरी के अंदर कहा गया था उस तरीके से इन्होंने इसको शुगर ना मान करके यही कहा कि जब स्टार्च है उसका कंसंट्रेशन कम होता है तो स्टार्च मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि देखा भी गया है। तो इन्होंने कहा कि जो स्टार्च का कंसंट्रेशन है वो तो कम हो जाता है दिन के अंदर, और जो मैलिक एसिड कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इनफ्लक्स और पोटेशियम आयन इन द गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन का इंटेक किया जाता है, और एफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ जाते हैं और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते हैं।
इनटेक ऑफ क्लोराइड आयन बाय गार्ड सेल्स. अब इन पोटेशियम आयन के जो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन बाहर से लिए जाते हैं, क्लोरीन के आयन्स लिए जाते हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं. तो इस तरीके से दिन के अंदर स्टार्च मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं, क्लोराइड आयन गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं और हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से बाहर आते हैं. लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड गार्ड सेल्स, और दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो गार्ड सेल्स के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो जाता है तो गार्ड सेल का पीएच मोर देन 7 मीन्स पीएच एल्कलाइन मीडियम में हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा गार्ड सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर आता है, और जिसकी वजह से हाई टीपी एंड गार्ड सेल्स ड्यू टू द एंडो ऑस्मोसिस, और एंडो ऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाती है और टीपी मोर टुवर्ड्स थिन वॉल ऑफ गार्ड सेल्स एंड स्ट्रोमेटा ओपन. और जो स्ट्रोमेटा के स्ट्रक्चर में हमने देखा था जो इनर वॉल है वो थिकर होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, बाहर वाली सेल थिनर होती है, पतली होती है. तो जब इसके अंदर पानी इंटेक होगा, पानी अंदर आएगा, तो जो गार्ड सेल है वो फूलेगी और बाहर वाली जो पतली मेम्ब्रेन है वो बाहर की ओर फूलती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. तो इस तरीके से इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो पोटेशियम आयन है वो अंदर आते हैं और हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं, स्टार्च मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, एल्कलाइन पीएच हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस होता है और सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ लेविट कंसेप्ट, लेविट ने जो कंसेप्ट दिया उसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, डिटेल में देखा जाए, तो इन द गार्ड सेल्स स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग डे टाइम. दिन के वक्त जो स्टार्च है, देखिए जो स्टार्च है वो वाटर की प्रेजेंस में हेक्सोज शुगर के अंदर कन्वर्ट होती है और ये हेक्सोज मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है. मैलिक एसिड देन डिसोसिएटेड इनटू मैलेट आयंस एंड प्रोटॉन्स. अब ये जिससे मैलेट आयंस और प्रोटॉन्स बन जाते हैं. अब अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई. अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो बाहर पोटेशियम आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं, मीन्स बाहर से पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं. Protons thus formed are used by the guard cells for the uptake of potassium ions in exchange for the protons. अब यहाँ पर जो मैलेट आयंस के साथ साथ हाइड्रोजन आयंस बने हैं, अब जो स्टार्च का मैलेट के अंदर कन्वर्जन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस बनते हैं. इन हाइड्रोजन आयंस को गार्ड सेल काम में लेती है, किस काम में, एक्सचेंज करती है, किससे, पोटेशियम आयन से. पोटेशियम आयन्स अंदर से बाहर से अंदर आते हैं गार्ड सेल के अंदर और बाहर से अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं. दिस इज एन एक्टिव आयनिक एक्सचेंज, ये एक तरीके का एक्टिव आयनिक एक्सचेंज है, इसलिए इसके लिए एटीपी की एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये इसके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पोटेशियम आयन या हाइड्रोजन आयन्स का मूवमेंट होता है, इसीलिए इसके अंदर एटीपी की आवश्यकता है. ये एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और साथ ही साथ साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है वो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. इन दिस वे द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इंक्रीजेज इन गार्ड सेल्स. इस तरीके से जो गार्ड सेल्स है उसके अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. एट द सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेज इन द गार्ड सेल्स, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर कम हो जाता है. सो द पीएच ऑफ द सेल सैप इन गार्ड सेल्स ऑल्सो इंक्रीजेज. अब जब हाइड्रोजन आयन्स कम हो गए हैं तो उसका जो पीएच है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और पीएच बिकम्स मोर देन 7 एंड द मीडियम बिकम्स एल्कलाइन, जिसकी वजह से जो मीडियम है वो एल्कलाइन हो जाता है. देर इज ऑल्सो एन इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ क्लोराइड आयन्स बाय द गार्ड सेल्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल एंड आयनिक बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द गार्ड सेल्स. अब जब हाइड्रोजन आयन के बदले में पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन्स भी अंदर आते हैं.
The malate ions formed in the guard cells are neutralized by the potassium ions. अब जो मैलेट आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस बने थे किससे? मैलेट से, तो और हाइड्रोजन आयन तो बाहर चले गए और पोटेशियम आयन उसके बदले में अंदर आ गए. तो ये जो पोटेशियम आयन है वो मैलेट आयंस के साथ कंबाइंड होकर पोटेशियम मैलेट बनाते हैं. अब ये जो पोटेशियम मैलेट है, मैलेट आयंस प्लस पोटेशियम, इन्होंने क्या बनाया? पोटेशियम मैलेट. तो इस वजह से हमारा जो गार्ड सेल्स है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. पोटेशियम मैलेट्स एंटर द सेल सैप ऑफ द गार्ड सेल्स, देयर बाय रिड्यूसिंग द वाटर पोटेंशियल. अब वाटर पोटेंशियल या वाटर की फ्री एनर्जी कम होती है वाइल इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप. अब ये जो पोटेशियम मैलेट है सेल सैप के गार्ड सेल के अंदर है. अब गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इस पोटेशियम मैलेट की वजह से बढ़ जाता है. हेंस एंडोऑस्मोसिस अकर्स, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड किडनी शेप्ड एंड द स्ट्रोमेटा ओपन. तो सीधी सी बात है, गार्ड सेल के अंदर जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, रीजन सभी ने अलग अलग दिए. अब जो पोटेशियम आयन थ्योरी है इसके अंदर ये बताया गया कि जो पोटेशियम आयन है वो कहाँ से आए? मैलेट. जब मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है तो गार्ड सेल्स इन हाइड्रोजन आयन को एक्सचेंज करती है किससे? पोटेशियम आयन से. और ये पोटेशियम आयन मैलेट आयन से मिलकर के पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर लेते हैं और जिसकी वजह से सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ये एंडोऑस्मोसिस के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. It is also observed that the carbon dioxide concentration is low in and around guard cells during daytime. अब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली कम होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है. This is due to high photosynthetic utilization of carbon dioxide. It helps in opening of stomata. और ये जो डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये pH को बढ़ाता है और किसके अंदर हेल्प करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में. ये पोटेशियम आयन जो थ्योरी है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया है. इसके अंदर देखिए जो स्टार्च है, स्टार्च गार्ड सेल के अंदर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट काइनेज की प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो मैलेट है वो मैलेट आयन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है. अब ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये बाहर की ओर निकलते हैं और पोटेशियम आयन अंदर की ओर आते हैं. आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन्स भी अंदर की ओर आते हैं. अब ये जो हाइड्रोजन आयन वैक्यूल्स के साथ साथ सेल से भी बाहर निकल जाते हैं, मीन्स गार्ड सेल से, और पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर आते हैं. इस को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन भी अंदर आते हैं. तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन अंदर आते हैं और ये जो पोटेशियम आयन है ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ मैलेट आयन्स के साथ मिलकर के पोटेशियम मैलेट का निर्माण करते हैं जिसकी वजह से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ये एंडोऑस्मोसिस से पानी एब्जॉर्ब करते हैं. ये तो था ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा. बिल्कुल इसकी रिवर्स रिएक्शन होती है क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी डार्क में जब लाइट नहीं है तो क्लोजिंग कैसे होगी स्ट्रोमेटा की. इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिल्कुल उसके विपरीत या बिल्कुल ऑपोजिट. एब्सेंस ऑफ लाइट, वहाँ था प्रेजेंस ऑफ लाइट. यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइट में डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है. एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स से पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल के अंदर आते हैं और जो सेल हाइड्रोजन आयन अंदर आते हैं तो जो सेल का मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होता है तो उसका पीएच कम हो जाता है और लॉस ऑफ क्लोराइड आयन्स मीन्स क्लोरीन भी आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए जिन्हें इंटेक किया गया था वो उसका भी लॉस होता है. इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है और रेस्पिरेशन कंटिन्यूशन में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है गार्ड सेल के आसपास एंड ये कंबाइन करता है रेस्पिरेशन के साथ और
फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो भी डार्क के अंदर एब्सेंट होती है. प्रेजेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन एब्सिसिक एसिड, दिस इज द न्यू थिंग. एब्सिसिक एसिड जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटिंग है, वो हार्मोन की प्रेजेंस में हमारा जो सेल है, लॉस ऑफ टर्जिडिटी एंड लॉस ऑफ किडनी शेप बाय गार्ड सेल्स, इसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और एक्जोऑस्मोसिस होता है. प्लांट की जो गार्ड सेल्स हैं उनसे पानी बाहर की ओर निकलता है और सेल फ्लैसिड हो जाती है और फ्लैसिड सेल्स के अंदर गार्ड सेल्स की वजह जो फ्लैसिड गार्ड सेल्स हैं वो स्टोमेटा को क्लोज कर देती हैं. इस तरीके से जो भी दिन में रिएक्शंस थी, डे में थी, पोटेशियम आयन का अंदर आना, क्लोराइड आयन का अंदर आना, मैलेट से जो मैलेट आयन्स और हाइड्रोजन आयन्स बने थे उसमें से हाइड्रोजन आयन्स बाहर जाना, इन सब की रिवर्स रिएक्शन होती है रात के वक्त. और पोटेशियम आयन रात में गार्ड सेल से बाहर जाते हैं, क्लोराइड आयन्स बाहर जाते हैं, हाइड्रोजन आयन्स गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं जिसकी वजह से उसका पीएच डिक्रीज हो जाता है, मीन सेल सैप जो है वो एसिडिक हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रात में बढ़ जाती है क्योंकि न तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड काम आए और लगातार रेस्पिरेशन हो रहा है जिसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है. तो दो फैक्टर हुए, एक तो फोटोसिंथेसिस का ना होना कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है, दूसरा रेस्पिरेशन में कंटिन्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. साथ ही साथ जो एब्सिसिक एसिड है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स है, ये भी स्टोमेटा को क्लोज करने में काम में आते हैं और इन सब की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है उससे गार्ड सेल्स की फ्लैसिड हो जाती हैं, टर्जिडिटी कम हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. ऑल दीज कंडीशंस रिप्रेजेंट द रिवर्सल ऑफ द डे टाइम इवेंट्स. अंडर दीज कंडीशंस The guard cells lose water by exosmosis and become flaccid. This causes closing of the stomata. तो जो डे के अंदर जो प्रोसेस हुए और उनका बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन होता है नाइट में और रात में गार्ड सेल्स वाटर लूज करती हैं एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू और फ्लैसिड हो जाती हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. और ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है हमारे पोटेशियम आयन थ्योरी का. इसके अंदर बताया गया है कि दिन में ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में काम में आती है और यहाँ पर जो स्टार्च है, ऑर्गेनिक एसिड और ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और पोटेशियम आयन के एब्जॉर्प्शन से इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और एंडोऑस्मोसिस होता है जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, सेल वॉल पर प्रेशर लगता है अंदर की तरफ से और स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं. अंदर की ओर से बाहर की ओर प्रेशर जब इसको धक्का दिया जाएगा तो स्ट्रोमेटा खुल जाते हैं. रात में डार्क में जब फोटोसिंथेसिस रुक गया है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि मैलेट आयन्स मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और पोटेशियम एफ्लक्स होते हैं, मीन्स जो पोटेशियम आयन दिन में अंदर आए थे गार्ड सेल्स में वो बाहर चले जाते हैं जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमारी गार्ड सेल्स का डिक्रीज हो जाता है और एक्सोऑस्मोसिस ऑफ वाटर, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं जिसकी वजह से सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. तो इसके अंदर किस तरीके से जो पोटेशियम आयन है वो उनका अंदर आना और बाहर जाना ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज या ओपन होते हैं. रोल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स इन स्टोमेटल मूवमेंट. प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज नीडेड फॉर द एक्टिव अपटेक ऑफ पोटेशियम आयन्स. दिन में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं उस दौरान पोटेशियम आयन्स का अपटेक होता है, वो साइटोकाइनिन एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स फेवर्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, साइटोकाइनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जबकि एब्सिसिक एसिड
स्टोमेटा के क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो तो जो साइटोकाइनिन है वो पोटेशियम आयन के अपटेक में, एक्टिव अपटेक में हेल्प करता है, जबकि एब्सिसिक एसिड ब्लॉक करता है किसको, पोटेशियम आयन को गार्ड सेल के अंदर आने से रोकता है। तो जब डार्क में पोटेशियम आयन को गार्ड सेल के अंदर आने से ब्लॉक करने का काम करता है वो एब्सिसिक एसिड करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम द गार्ड सेल्स। ये एक एब्सिसिक एसिड हाइड्रोजन आयन्स को बाहर जाने से रोकता है और पोटेशियम आयन को अंदर आने से रोकता है, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो डार्क में एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा के क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसमें सहायक है। एब्सिसिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर हेल्प इन लोअरिंग द पीएच। अब ये दोनों मिलकर के मीन्स क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्सिसिक एसिड गार्ड सेल्स के पीएच को कम करते हैं एंड मेकिंग द मीडियम एसिडिक, जिसकी वजह से मीडियम एसिडिक हो जाता है। दिस हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज स्ट्रेस हॉर्मोन ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशंस में जो साइटोकाइनिन है दिन में पोटेशियम के एक्टिव अपटेक में हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा खुलते हैं। रात में एब्सिसिक एसिड बिल्कुल उसका उल्टा काम करता है, पोटेशियम को अंदर आने से रोकता है और हाइड्रोजन को बाहर जाने से रोकता है, और जिसकी वजह से जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं रात में। अब ये जो स्टोमेटा की क्लोजिंग है स्ट्रेस्ड कंडीशन में, जब बाहर बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशंस हैं, पानी का ट्रांसपिरेशन होना प्लांट के लिए घातक हो सकता है, हार्मफुल होता है, उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है, मींस स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है और जो लॉस ऑफ वाटर है वो रुक जाता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अभी हमने बात की कि स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग की जो थ्योरीज दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके मेरिट्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं, और जो फाइनली पोटेशियम आयन थ्योरी दी गई वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। इन थ्योरीज के अंदर बताया, जैसे कि बताया गया कि जो गार्ड सेल्स है उसका पीएच कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, और पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन, इनकी वजह से ही स्टोमेटा क्लोज या ओपन होते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स, जो हमारे ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से एक्सटर्नल फीचर फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करें जो कि ट्रांसपिरेशन को रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला है ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस ट्रांसपिरेशन रेट। अब जब बाहर ह्यूमिडिटी होगी, जैसे बारिश के दिनों में एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है, प्लांट से जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रूप में काम करती है। अगर दो चीज़ों के कंसंट्रेशन में अंतर ज़्यादा है तो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा होगा, जैसा कि सिंपल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था। अब बाहर भी मॉइस्चर सफिशियंट है, लीव्स में भी मॉइस्चर है, तो उनका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जिस वजह से जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो कम हो जाती है। विंड इंक्रीजेस इवेपोरेशन एंड दस ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। जब हवा चल रही हो तो जो ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर के रूप में लीव्स से जस्ट बाहर निकल रहा है, उस वेपर को जो हवा है उस लीफ के पास से हटा देगी। अब जब हवा चल रही है तो दूसरी ड्राई एयर लीफ पर आ जाएगी, अब फिर इसको बैलेंस करने के लिए इवेपोरेट होगा पानी वेपर की फॉर्म में, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे, फिर हवा से वो हट जाएगा। तो इस तरीके से जब हवा चलती है पेड़ों के आसपास, तो वो लीफ की आसपास की जो वेपर वाली वेपर है उस नमी वाली हवा को हटा देती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है। सो विंड इंक्रीजेस इवेपोरेशन एंड दस ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। विंड रिमूव्स द वाटर वेपर अराउंड लीफ, दस इंक्रीजिंग वाटर वेपर प्रेशर ग्रेडियंट।
जो वाटर वेपर प्रेशर ग्रेडियंट है उसको बढ़ाता है, और जब ग्रेडियंट बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट डेफिनेटली बढ़ती है। थर्ड है टेम्परेचर, इंक्रीजेस इवेपोरेशन एंड दस ट्रांसपिरेशन, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है और ट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ती है। लाइट जनरली कॉजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, नॉर्मली लाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है ट्रांसपिरेशन की रेट भी बढ़ती है। इसके दो रीजंस हैं, क्योंकि जब लाइट इंक्रीज होती है तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, गैसेस एक्सचेंज की आवश्यकता है, तो स्ट्रोमेटा ओपन रहते हैं और ओपन स्ट्रोमेटा ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ाते हैं। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, और ऐसे ही कुछ दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को रेट को बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी अभी ने बात की, विंड एंड एयर मूवमेंट, विंड और एयर का जो मूवमेंट है वो ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये जो मूवमेंट है वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे विंड का मूवमेंट बढ़ेगा वो ह्यूमिडिटी को लीफ के पास की ह्यूमिड एयर को हटाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, व्हेन मॉइस्चर इज लैकिंग प्लांट्स कैन बिगिन टू सेनेसेंस प्रीमैच्योर एजिंग व्हिच कैन रिजल्ट इन लीफ लॉस एंड ट्रांसपायर लेस वाटर। अब अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम है प्लांट्स को, तब क्या होगा, जो हमारा प्लांट है उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, और जब पत्तियां झड़ जाएंगी तो नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा डेफिनेटली कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा कम होगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम हो जाएगी। ये भी एक तरीके का एडेप्टेशन है, क्योंकि जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ही नहीं है, मॉइस्चर कम है, तो अगर स्ट्रोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए पत्तियाँ झड़ जाती हैं पेड़ में से, जिसकी वजह से स्ट्रोमेटा का नंबर कम होता है और ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है, ताकि वाटर लॉस कम हो। टाइप ऑफ प्लांट, अब जो ट्रांसपिरेशन की रेट है टाइप ऑफ प्लांट पर भी डिपेंड करती है कि किस तरीके का पौधा या प्लांट है। प्लांट्स ट्रांसपायर वाटर एट डिफरेंट रेट्स, सम प्लांट्स विच ग्रो इन एरिड रीजन्स सच एज कैक्टाई एंड सकुलेंट्स कंजर्व प्रेशियस वाटर बाय ट्रांसपायरिंग लेस वाटर देन अदर प्लांट्स। अब जो हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि सकुलेंट्स हैं या कैक्टस हैं या ऐसे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो एरिड कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम रखते हैं और ऐसे अडेप्ट होते हैं, उनके अंदर ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फीचर्स हैं जिसके अंदर ट्रांसपिरेशन को डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि विंड एंड एयर और एनवायरनमेंट में कितना ह्यूमिडिटी है, सॉइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी क्या है, प्लांट का टाइप क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर कितना है, लाइट कितनी है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ट्रांसपिरेशन की रेट क्या होगी। इसके अलावा बहुत से इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जो ट्रांसपिरेशन की रेट को डिसाइड करते हैं, जैसे नंबर ऑफ लीव्स, मोर लीव्स मीन्स अ बिगर सरफेस एरिया एंड मोर स्ट्रोमेटा फॉर गैसेस एक्सचेंज। डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ लीव्स किसी भी प्लांट के अंदर ज़्यादा है तो स्ट्रोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा, और स्ट्रोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा तो गैसेस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। और स्पाइंस और अदर फोटोसिंथेसाइज ऑर्गन, जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑर्गन्स, उनके अंदर अगर गैसेस एक्सचेंज के लिए स्ट्रोमेटा हैं तो वो ग्रेटर वाटर लॉस कॉज करेंगे, मीन्स ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, पहला था नंबर ऑफ लीव्स, वो इनडायरेक्ट वे में स्ट्रोमेटा के नंबर को ही बढ़ा रहा था, और अगर इसके अलावा जो स्ट्रोमेटा का नंबर अगर ज़्यादा है डेफिनेटली तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा ही होगा। साइज ऑफ द लीफ, अ लीफ विद अ बिगर सरफेस एरिया विल ट्रांसपायर फास्टर देन अ लीफ विद अ स्मॉलर सरफेस एरिया। डेफिनेटली जब लीफ का सरफेस बड़ा होगा तो स्ट्रोमेटा का नंबर भी ज़्यादा होगा, और स्ट्रोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसपिरेशन से पानी ज़्यादा ही बाहर निकलेगा, तो साइज ऑफ लीफ भी अफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन की रेट को। प्रेजेंस ऑफ प्लांट क्यूटिकल, एक्चुअली जो वैक्सी क्यूटिकल है वो रिलेटिवली
इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए और वाटर वेपर के लिए, तो डेफिनेटली ये रिड्यूस करती है इवेपोरेशन को, और जो प्लांट का सरफेस है उसमें जो स्टोमेटा है उसके अलावा पूरे प्लांट के सरफेस से क्यूटिकल है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होने की वजह से ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रोकती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर, लीव्स का नंबर अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा है तो भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, साइज ऑफ लीफ, लीफ जितनी बड़ी होगी उसके अंदर से ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, प्रेजेंस ऑफ प्लांट क्यूटिकल, क्यूटिकल क्योंकि इम्परमिएबल है, एक कवर का काम करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, तो जो क्यूटिकल है वो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करती है या रोकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे इंटरनल और एक्सटर्नल जो कि हमारे ट्रांसपिरेशन की रेट को कम या ज़्यादा करते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट आर कंपाउंड्स अप्लाइड टू द लीव्स ऑफ प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब अभी हमने कहा कि जो ट्रांसपिरेशन है जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है, और ये वाटर लॉस कई बार पौधों के लिए हार्मफुल होता है, तो उसे रोकने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट काम में लिए जाते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करते हैं और लीव्स और प्लांट्स पे ये स्प्रे किए जाते हैं। दे आर यूज्ड ऑन क्रिसमस ट्रीज, जब क्रिसमस ट्रीज को ग्रीन बनाए रखने के लिए इनके ऊपर एंटी ट्रांसपेरेंट का स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन ऑफ वाटर ही नहीं होगा तो वो सूखने में टाइम लगाएंगे तो कम सूखेंगे, इस वजह से उन पर एक एंटी ट्रांसपेरेंट का स्प्रे किया जाता है। ऑन कट फ्लावर्स, जो फ्लावर हैं बुके के रूप में काम में आ रहे हैं या सजावट के रूप में काम में आ रहे हैं, इन फ्लावर्स को भी मुरझाने से रोकने के लिए इनके ऊपर भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से प्लांट से पानी इवेपोरेट नहीं होता और वो ज़्यादा समय तक ताज़ा बने रहते हैं। ऑन न्यूली ट्रांसप्लांटेड श्रब्स, अब एक श्रब को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया गया है, वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो वो वैसे ही मुरझा जाएंगे, दूसरी एडवर्स कंडीशंस का वैसे ही सामना कर रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट स्प्रे कर दिया जाता है तो कम से कम वाटर लॉस नहीं होता और एक लंबे समय तक वो नहीं मुरझाते, तो इस वजह से ट्रांसप्लांटेड श्रब्स पर इनका छिड़काव किया जाता है। एंड इन अदर एप्लीकेशंस टू प्रिजर्व द एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ड्राइंग आउट टू क्विकली, बहुत जल्दी प्लांट्स को सूखने से रोकने के लिए भी इस तरीके से एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ किया जाता है। दे हैव ऑल्सो बीन यूज टू प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम सॉल्ट बर्न एंड फंगल डिजीजेज, फंगल डिजीजेज एंड सॉल्ट बर्न से बचने के लिए भी एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ किया जाता है। अभी हमने देखा कि जो ट्रांसपिरेशन है उसका एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, और जितना भी पानी प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है उसका 97.5 से लेकर के 99% वाटर ट्रांसपिरेशन द्वारा इवेपोरेट हो जाता है, और इन सब से बचने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट भी यूज में लिए जाते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, अब ट्रांसपिरेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इट क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट दैट हेल्प ड्रॉ वाटर एंड मिनरल अप थ्रू द प्लांट फ्रॉम इट्स रूट। अब एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, जब हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, मीन्स स्टोमेटा से पानी वेपर के रूप में बाहर निकलता है, तो वो पास वाली सेल से पानी लेता है, वो अपने पास वाली सेल से, इस तरीके से पूरा ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है जो अपने पास वाली सेल से पानी लेता है, और ये जो प्रेशर है जिसे हम नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, ये रूट से टिप तक प्लांट्स के मिनरल और वाटर अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो इसी काम में है कि रूट से एक जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ट्रांसपिरेशन की वजह से, उसकी वजह से रूट से पानी पूरे लीफ के टिप तक या पूरे प्लांट पार्ट्स तक पहुँचता है। इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट कूल ऑन हॉट वेदर, ए मेथड ऑफ इवेपोरेटिंग कूलिंग, और जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि हम देखते हैं कि जब हाई टेम्परेचर पर
कोई भी चीज़ हो वो धूप में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाती, उसके बावजूद भी हमारे पौधे या पेड़ हरे भरे रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं और हर तरह के टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं। ये जो सारा इतने टेम्परेचर पे भी प्लांट सर्वाइव करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पानी है वो जब वेपर के रूप में ट्रांसपीरेट होता है तो जो हीट लेता है पानी को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जिस हीट की आवश्यकता होती है, ये ही प्लांट लीफ के सरफेस से ली जाती है, जिसकी वजह से लीफ सरफेस कूल हो जाता है। तो ये कूलिंग का एक बहुत अच्छा मेथड है ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से प्लांट्स ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। इट सपोर्ट्स फोटोसिंथेसिस एंड एनकरेजेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्पिंग मेंटेन लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। ये एटमोसफेयर में जो गैसेस एक्सचेंज है, जो स्टोमेटा का मेन काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, इस प्रोसेस में हेल्प करता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर न ली जाए तो फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस को इनक्रीज करता है। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रांसपीरेशन है, न केवल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक पुल बनाता है, मीन्स प्रेशर क्रिएट करता है रूट से लीफ तक मिनरल्स और वाटर्स के पहुंचने का, साथ ही साथ प्लांट्स की कूलिंग भी करता है और फोटोसिंथेसिस में भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब ये तो हुई ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, इसका पॉजिटिव पॉइंट, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, कूलिंग इफेक्ट एंड ऑप्टिमम टर्जिडिटी, दीज आर फ्यू बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसके अलावा जो ट्रांसपीरेशन है उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। फर्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट यूज फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हमने कहा कि प्लांट्स जो भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट पार्ट तक पहुँचाते हैं, लीव्स तक पहुँचाते हैं, उसका 97.5 से लेकर 99% वाटर ट्रांसपीरेशन के रूप में निकाल दिया जाता है। जबकि एक पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है, ये सारी एनर्जी जो वाटर को एब्जॉर्ब करने और पहुंचाने में लगी उसमें से 99% ट्रांसपीरेट ही हो गई, तो एक बहुत लॉस है एनर्जी का। साथ ही साथ वाटर डेफिशिएंसी लीडिंग टू इंजरी और डेसिकेशन, और जहाँ पर पानी की मात्रा पहले ही कम है पौधों के लिए, या जिसके लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है पानी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर लेने के लिए या प्लांट पार्ट तक पहुँचाने के लिए, वहाँ पर इवेपोरेशन के द्वारा पानी यूं ही बाहर निकल जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, तो ये वाटर डेफिशिएंसी को लीड करता है इंजरी और डेसिकेशन में, मीन्स प्लांट उसकी वजह से सूख भी जाते हैं, इंजर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपीरेशन इतना ज़्यादा होता है कि पत्तियाँ सूख गई हैं, प्लांट मुरझा गए हैं। हेंस ट्रांसपीरेशन इज अनअवॉइडेबल एविल, ये एक तरीके से अनअवॉइडेबल एविल है, क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन के इतने नुकसान हैं कि जो इतनी एनर्जी हमने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक के लीफ तक पहुंचाने में लगाई, उसमें से 97 से 99% पानी यूं ही इवेपोरेट हो गया, जो मेहनत लगी वो अलग, और साथ ही साथ जब पत्ते सूख जाते हैं ट्रांसपीरेशन की वजह से तो उसकी वजह से भी वो हार्मफुल इफ़ेक्ट है प्लांट पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से अननेसेसरी या नेसेसरी एविल है या अनअवॉइडेबल एविल है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन का जो मेन काम है वो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से ही रूट से पानी ऊपर तक पहुंचा है। दूसरा, कूलिंग इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ट्रांसपीरेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है प्लांट्स पर। तो ये कुछ फैक्टर्स थे प्लांट ट्रांसपीरेशन के जो प्लांट्स को अफेक्ट कर रहे थे, बेनिफिशियल इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट। सो आज हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपीरेशन है उसकी में जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, उसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ट्रांसपीरेशन के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपीरेशन। थैंक यू।